तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। आज हम एंजाइम्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। अब चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। अब हमारा एंजाइम्स क्या है? हर रिएक्शन के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में पर्टिकुलर सेल के अंदर जो भी साइकिल चल रही है, उस साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए क्या क्या यूज़फुल है? हमारे एंजाइम्स। अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एंजाइम, एंजाइम होते क्या हैं? तो हम आपको बताएंगे कि एंजाइम क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। एंजाइम क्या है? हमारा एंजाइम एक कैटलिस्ट है, प्रोटीन है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है और हमारी जो एनर्जी है उसे क्या करता है, एनर्जी के एक्टिवेशन को क्या करता है, कम करता है। अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो सबस्ट्रेट है, अगर हमने सबस्ट्रेट की रिएक्शन कैटलाइज्ड की प्रेजेंस में कराई तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। अगर हमें किसी भी चीज़ की रिएक्शन करवानी है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगी, उसके लिए किसकी नीड होगी, हमें एंजाइम्स की। ओके, अब हमारा कैटलिस्ट क्या है, व्हाट इज़ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट हमारा क्या है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल है? हमने पहले ही बताया था कि एंजाइम क्या काम करता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। और एंजाइम क्या है, हमारा एक कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का एक क्या काम है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ तो वो करेगा, लेकिन रिएक्शन में ना उसकी क्वांटिटी चेंज होगी और ना इसकी क्वालिटी चेंज होगी। ओके फ्रेंड्स, वो हमेशा क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या रहती है, उसकी सेम रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ में, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन तो आपको पता ही होगा कि रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पायरेशन का मतलब है O2 एंटर्स इनटू द सेल। ओके फ्रेंड्स, रेस्पायरेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द सेल। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाता है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी प्रोसेस देख लेंगे। नो एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं है तो रेस्पायरेशन नहीं है, रेस्पायरेशन नहीं है तो एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो क्या है, लाइफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एंजाइम्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको एक मेन बात बताते हैं, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है। हमारे जो सारे एंजाइम्स, हमने बताया था कि एंजाइम क्या है, हमारे प्रोटीन है, हमारे सारे एंजाइम प्रोटीन है, पर लेकिन हर एक प्रोटीन क्या है, एंजाइम नहीं है। हमने क्या बताया, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। जो हमारे सारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, सारे प्रोटीन है, बट सारे प्रोटीन जितने भी हमारी बॉडी के अंदर है वो सारे एंजाइम्स नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होगा, हमारा लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम, इसका मतलब है हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है एंजाइम के बिना। ठीक है, वायरस हैज़ नो एंजाइम, जो हमारा वायरस है, वायरस क्या होता है, जो हमारी बॉडी पे बाहर से अटैक करता है वो क्या है, वायरस है, उसके पास एंजाइम नहीं होता। एवरी सेल फ्रॉम देयर एंजाइम ओन, अब हमारी जो हमारी बॉडी की जो एवरी सेल है वो अपना एंजाइम खुद बनाती है। एंजाइम कैन फंक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, एंजाइम्स सेल्स के अंदर भी काम करता है और सेल के बाहर भी काम करता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आज आपको शुरू में ही बता दिया था कि क्या, जो आज हम एंजाइम्स के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने एंजाइम्स के बारे, एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
और जल्दी ही हम आपको क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको एंजाइम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अगेन।